अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सेलिना. इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल. तो जब भी यूनिफॉर्म मीटर रूल आपको गिवन हो तो जो भी स्केल आपको लेना है उसकी लेंथ गिवन है 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर. इसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, पूरा यूनिफॉर्म है. और मीटर रूल का मतलब 1 मीटर. Horizontally, it balanced horizontally on a knife edge placed at the 58 centimeter mark. ये पूरा स्केल 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक का स्केल है और इसका जो 58 सेंटीमीटर मार्क है वहाँ पर ये पिवटेड है, बैलेंस्ड है. तो उसको मैं इस तरीके से शो करूँगी. ये बैलेंस्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, पिवटेड पॉइंट है. When a weight of 20 GF is suspended from one end, किसी एक एंड, एंड का मतलब है या तो जीरो एंड से या तो 100 सेंटीमीटर पर 20 GF को लटकाना है, सस्पेंड करना है. अब इसको सस्पेंड करने के लिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ड्रॉ डायग्राम. चलिए वो तो बना ही रहे. व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल, सेकंड पार्ट में है. व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल. अब देखिए, 0 से 100 सेंटीमीटर का स्केल है और ये स्केल एक यूनिफॉर्म स्केल है, यूनिफॉर्म रूल है ये. तो जब भी कोई यूनिफॉर्म स्केल होता है तो उसका जो पूरा पूरा वेट होता है, उस बॉडी का जो पूरा पूरा वेट होता है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सस्पेंडेड होता है. और इस स्केल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो उसका मिड पॉइंट है. तो 100 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर रूल का वेट गिवन है आपको या निकालना है तो 50 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पर एक ऐसे एरो बनाइए और वहाँ पर W लिख दीजिए. W का मतलब है, W इज द वेट ऑफ द रूल. W इज द वेट ऑफ द रूल. ये हमेशा ही स्केल के सेंटर पर ही लगाया जाता है, ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द स्केल. ये ध्यान रखिएगा. अब 58 पर बैलेंस है, 50 सेंटीमीटर पर उसका वेट सस्पेंडेड है WGF. तो 20 GF कहाँ सस्पेंड करें कि ये स्केल बैलेंस हो जाए. अब अगर हम 20 GF को उठाकर यहाँ पर सस्पेंड करेंगे तब तो वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सारा भार एक ही तरफ आ गया है. इसका मतलब है कि उसको बैलेंस करने के लिए हमें दूसरी तरफ, दूसरे वाले एंड में बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब 100 सेंटीमीटर पर 20 GF. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट. अब सेकंड पार्ट पे आइए, आपको वेट निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, हमेशा पिवटेड पॉइंट के इस साइड पर देखते हैं. तो इस साइड पर ये जो WGF है वो स्केल को किस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. फिर स्केल के दूसरी तरफ देखते हैं, ये 20 GF सस्पेंडेड है, वो स्केल को क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है. तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऐसी कंडीशन में लगा देते हैं. क्या कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स. ये हमको बताता है कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तभी स्केल बैलेंस्ड होता है. ये आपको बोला गया है. तो आपको पहले ही दे रखा है कि स्केल आपका बैलेंस है. तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है, WGF. ये फोर्स है, ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ही वेट कहा जाता है, इसीलिए जहाँ पर W मैंने सस्पेंड किया इस तरीके से, WGF. GF क्या है, इट इज़ द यूनिट. कौन सी यूनिट है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट है. ठीक है, यहाँ पर मास की वैल्यू नहीं लिखें, कभी भी ऐसे सस्पेंड करके 40 ग्राम मत लिख देना. 40 ग्राम मास होता है. हम ये जो एरो बनाते हैं, एरो वेट को रिप्रेजेंट करता है या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है, जो अर्थ लगाती है उस बॉडी को नीचे खींचने के लिए. और उसका फॉर्मूला होता है एम इंटू जी. और उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट GF होती है, CGS. और बड़ी यूनिट की अगर बात करेंगे तो वो KGF होती है. ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा. तो फोर्स कितना है, WGF मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है पिवटेड पॉइंट और फोर्स के बीच में, 50 पर वेट है और पिवटेड पॉइंट 58 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर हो गया. क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स 20 GF कर रहा है, 20 GF मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब 100 माइनस 58 सेंटीमीटर. तो भाई देख लेते हैं, ठीक, इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 42.
तो कुल मिलाकर के W की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। कितनी वैल्यू मिलेगी आपको? 105 GF, GF इज द यूनिट फॉर द वेट। ये आपका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है मोमेंट ऑफ फोर्स पर, उसको पढ़ लीजिए। कोई और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में या तो फोटो खींच कर मैंशन करिए, ठीक है, या फिर आप उसको क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर में मुझे प्रॉब्लम है, मैं उसको पर एक वीडियो बनाकर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।